भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। जब भी वह बोलती है तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों से एक किनारा कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रज्ञा ठाकुर के वो 5 विवादित बयान जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है, जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। किसी कारण से और कोई आतंकवादी या अन्य कोई इसका लाभ उठाते हैं और देश को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो उसमें हमें देश को सर्वोपरि रख कर हमारी कुछ परंपराएं उनको थोड़ा सा हमें उसमें ढील देना चाहिए। साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है, और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है, आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये होने वाला है, उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूं कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी, और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। दीदी एक सवाल मेरा रह गया था, अभी अभिनेता कमल हसन ने बयान दिया कि नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे, पहले दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का आप समर्थन करती हैं? ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना, हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। सांसद के काम सांसद को बताना चाहिए, सांसद का काम है कि हम विधायक, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, बाकी सबसे मिल करके और फिर यहाँ का विकास करें, परंतु जहाँ स्थानीय समस्या होती है उसके लिए जो लोग अपने चुने हैं उनको तो बताएंगे ना। तो आपने सुना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के 5 बड़े विवादित बयान जिसकी वजह से उन्हें या तो सफाई देनी पड़ी या फिर माफी मांगनी पड़ी। न्यूज़ डेस्क।